हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के सामान्य परिचय की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरोप्लास्ट की संरचना, क्लोरोप्लास्ट क्या है? वह कोशिकांग जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती हैं, उसे हरित लॉक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ध्यान रहे, क्लोरोप्लास्ट क्या है कि जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी, उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट की मुख्य प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो पादपों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की यदि संरचना की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। ये बाहरी झिल्ली है, ये सबसे बाहरी झिल्ली हैं, ये आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली और इसके अंदर का भाग स्टोमा है, और इस स्टोमा के अंदर ये कुछ संरचना है, ग्रेनम है, और ये है स्टोमा पटलिका से जुड़ी हुई संरचना है, ये स्टोमा पटलिका, ध्यान देंगे आप, ये पूरा भाग ये स्टोमा कहलाता है, स्टोमा। और ये संरचना है, इसको ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम। और ये है स्टोमा पटलिका, ये स्टोमा पटलिका है, और ये इसमें कुछ संरचना है, स्टार्च कणिका है, ये संरचनाएं स्टार्च कणिका, और ये इसमें ये संरचनाएं हैं जिन्हें वसा बूंद और ये कुछ संरचनाएं हैं जिनको बोलेंगे राइबोसोम। तो ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरो
प्लास्ट की संरचना। तो ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य स्थल होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखना है आपको। अर्थात धूरी झिल्ली वाला क्या है, कोशिकांग है जो लाइपोप्रोटीन से बनी है, लाइपोप्रोटीन से बनी धूरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, और इन झिल्लियों के भीतर की ओर यानी प्रोटीन से बना भाग होता है, अर्थात एक प्रकार से जो भरण पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा है। और इसी स्टोमा के अंदर क्या पाए जाते हैं कि जैसे वसा बूंदे हैं, स्टार्च कणिका है, राइबोसोम, यानी इसके अंदर राइबोसोम कौन सा होता है, 17 प्रकार का वृत्ताकार डीएनए होता है, यानी एक प्रकार से क्या होते हैं, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और इसी स्टोमा के अंदर, ध्यान रहे, इसी स्टोमा के अंदर क्लोरोफिल से बनी धोरी झिल्ली की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ये धोरी झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं जिन्हें कहा जाता है थायलेकाइड, जिन्हें बोलेंगे थायलेकाइड बोलेंगे। और ये थायलेकाइड होते हैं जो चपटे सिक्कों के समान ढेर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्रेनम, भोजन में ग्रेना बोलते हैं, तो ये ग्रेनम है। और इसी ग्रेनम के अंदर एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से क्लोरोप्लास्ट, जिनके बारे में आप 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार से दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, भारी झिल्ली होती है, जो एक प्रकार से कैसी होती है, पारगम्य होती है, कैसी होती है, पारगम्य, जबकि आंतरिक झिल्ली होती है जो प्रोटोनों के लिए, प्रोटोनों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, प्रोटोनों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, जो एक प्रकार से आंतरिक झिल्ली होती है जो प्रोटोनों के लिए क्या होगी, अपारगम्य होगी, जबकि भारी झिल्ली कैसी होती है, पारगम्य। और इसी लाइपोप्रोटीन से बनी जो झिल्लियाँ होती हैं, इसके अंदर का भाग भरणीय पदार्थ प्रोटीन से बना होता है, अर्थात जिसे क्या कहा जाता है, स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हैं कि वसा की बूंदे हैं, राइबोसोम है, और राइबोसोम का जो प्रकार आपको बताया था कौन सा होता है, 17S, स्टार्च कणिका हैं, और वसा की बूंदे हैं, वृत्ताकार डीएनए है, ये सभी इस स्टोमा में पाए जाते हैं। और इसी के अंदर एक प्रकार से धोरी झिल्ली युक्त क्लोरोफिल कुछ युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, थायलेकाइड। इन्हीं थायलेकाइड की आंतरिक सतह के ऊपर सूक्ष्म कणिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार से थायलेकाइड की झिल्ली की आंतरिक सतह पर के ऊपर सूक्ष्म कणिका के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटासोम के नाम से जानते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी इकाई क्वांटोसोम, जो कहाँ पाई जाती है, थायलेकाइड की आंतरिक सतह के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिसमें दो प्रकार से प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, एक होगा प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया होगी जो एक प्रकार से हरित लौ के कहाँ संपन्न होगी, ग्रेना में, याद रखें कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होगी जो हरित लौ के कौन से भाग में संपन्न होगी, ग्रेना में, जबकि अप्रकाशिक जो डार्क रिएक्शन होगी जो कहाँ संपन्न होगी, स्टोमा में, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ संपन्न होगी, स्टोमा के अंदर, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्टोमा में, जबकि लाइट रिएक्शन होगी जो कहाँ होगी, एक प्रकार से ग्रेना में होगी। तो ये था क्लोरोप्लास्ट की संरचना। इससे आगे
जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे अगली क्लास में बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना का अध्ययन आप 11th क्लास में भी कर चुके थे और इससे आगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।